अजमेर नगरीय निकाय उपचुनाव 2021 के लिए अजमेर और किशनगढ़ में मतदान आज। अजमेर नगर निगम के वार्ड 28 और नगर परिषद किशनगढ़ के वार्ड 46 के लिए कराया जा रहा है उपचुनाव। अजमेर नगरीय निकाय उपचुनाव 2021 के लिए सोमवार 26 जुलाई को अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 28 और नगर परिषद किशनगढ़ के वार्ड 46 में उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वार्डवासी मतदान कर अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश चंद शर्मा के मुताबिक नगर निगम अजमेर के वार्ड नंबर 28 में उपचुनाव के लिए 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 5 केंद्र दयानंद महाविद्यालय ब्यावर रोड और 4 केंद्र दयानंद बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर रोड में बनाए गए हैं, जहां भाग संख्या 233 से लेकर 241 तक के मतदाता अपने मतदान पर्ची में लिखे भाग संख्या के अनुसार निर्धारित कमरा नंबर में जाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उपचुनाव में मतदान के पश्चात 28 जुलाई को मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वार्ड नंबर 28 में कुल 5,740 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 28 में भाजपा पार्षद भारती जांगिड़ के कोरोना की वजह से हुए आकस्मिक निधन के चलते यहां उपचुनाव करवाए जा रहे हैं, जहां भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी गीता जांगिड़ हैं जो स्वर्गीय भारती जांगिड़ की बहन हैं मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बेला शर्मा अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मतदान के दौरान जहां दोनों ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए, तो वहीं मतदाताओं में भी मतदान के प्रति खासा उत्साह नजर आया। मतदान स्थल पर जहां मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए दक्षिण विधायक अनिता बदेल, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन सहित भाजपा के नेता जुटे रहे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पार्षद द्रौपदी कोहली भी मैदान में डटी नजर आई। हालांकि कांग्रेस की ओर से कोई वरिष्ठ नेता मतदान केंद्रों पर नजर नहीं आया। वहीं मतदाताओं ने भी जोश खरोश के साथ अपने वार्ड का विकास करने वाले प्रत्याशी को ही वोट देने की बात कही। आज किशनगढ़ का और एक अजमेर नगर निगम का उपचुनाव हो रहा है पार्षद का, और यहाँ पर अभी हम जो क्षेत्र में देख रहे हैं लोगों का मानस है, लोगों का मन है पूरा बीजेपी सरकार के जो पार्षद है उनको हराने का, और कांग्रेस की बेला देवी शर्मा जी हमारी वो जीत रही हैं और सब उनके सहयोग में सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब साथ में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्योंकि जनता को पता है अभी बीजेपी के राज में क्या हो रहा, ना वैक्सीन मिल रही है, पेट्रोल डीजल तेल सारे भाव इतने आसमान पर है, सब्जी को देख लो, हर चीज़ को देख लो, जो विकास विकास के नाम पर कहते थे कोई ऐसा विकास काम इन्होंने नहीं किया। और इस तरह से सारे लोगों को पता है कि अभी जो ये छोटा सा चुनाव है और पार्षद का जो चुनाव है, एक व्यक्तिगत चुनाव भी होता है, उसमें बेला देवी ने कोरोना काल में लोगों की खूब जोर शोर से मदद की और सभी लोगों को वो मतलब जनता से इतनी जुड़ी हुई है कि हर बार हर व्यक्ति के उस काम में खड़ी रहती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उनका साथ देगा और अच्छे मतों से उनको जिताकर नगर निगम पार्षद के उसमें भेजेंगे। द्रौपदी को नगर निगम के वार्ड 28 में हमारी भारती जागीर का कोरोना में अकाल मृत्यु होने के उपरांत होने वाले इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में आज मतदाताओं को जो रुझान देखने को मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से जीतने वाली है। लेकिन देखना यह है कि जीत का अंतर कितना बड़ा होता है, कहीं कांग्रेस की जमानत ही जब्त ना हो जाए। जिस तरह से सुबह से ही हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है और एक उत्साह जो स्थानीय कार्यकर्ता हमारे हैं उनमें जो उत्साह नजर आ रहा है, उससे अधिक से अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है। मैं सभी वार्ड नंबर 28 के मतदाताओं का इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ
और निवेदन करती हूँ कि शाम को 5 बजे तक, सॉरी 6 बजे तक मतदान का समय रहने वाला है। इस समय तक अधिक से अधिक मतदान करें, अपने अड़ोस पड़ोस मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को निवेदन करें कि वो अधिक से अधिक मतदान स्थल पर जाकर के मतदान करें। मतदान करना हमारा अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए और तभी जो जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं उन्हें भी लगता है कि अधिक बहुमत मिलने पर वो अधिक अच्छे से, क्योंकि नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, स्थानीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए इस वार्ड में अधिक से अधिक विकास के कार्य पहले भी हुए हैं और आने वाले समय में भी लगातार होते रहेंगे। इतना ही निवेदन करती हूँ और एक बार पुनः मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आज वार्ड 28 जहाँ भारतीय जनता पार्टी की पार्षदा भारती जी जांगीर थी, जो कोरोना काल में अपने वार्ड की सेवा करते करते काल को कल्पित हो गई थी, उनके कारण से इस वार्ड में उनकी मृत्यु के बाद में वार्ड का ये उपचुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के जो जनता है उसकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ये वार्ड का चुनाव फिर जीतने वाली है। भारती जी 538 वोट से चुनाव जीती थी और ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के पहिए को चलाने वाली पार्टी है, निगम में लगातार हमारा बोर्ड है पिछले 30 साल से और इस वार्ड में भी हम चुनाव जीते हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद से 3 साल में राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ है, भ्रष्टाचार की एक काली इबारत लिखी गई है, RPSC घोटाला से लेकर के विधायकों के बीच में आपस में वैमनस्य था, अधिकारी और विधायकों में लड़ाई, विधायकों और मंत्रियों में लड़ाई और तो सरकार और संगठन में लड़ाई। इसमें गहलोत साहब सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे रहे 3 साल में, उन्होंने राजस्थान का कोई विकास नहीं किया, अजमेर का कोई विकास नहीं किया, उल्टा जो केंद्र सरकार का स्मार्ट सिटी का पैसा आया हुआ था, स्मार्ट सिटी के जो काम होने थे उन कामों में भी रोड़ा अटकाने की कोशिश इस राजस्थान सरकार ने की। अजमेर की जनता, वार्ड 28 की जनता उन्हें सबक सिखाएगी और आने वाले चुनाव में हमारी जो पार्षद की कैंडिडेट है गीता जांगिड, वो 1000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी। इस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस वार्ड में दिखाई देता है। मतदान करने पहुंचे मतदाता राधेश्याम और आशा राधेश्याम ने बताया कि उनकी जगह आशा विजय नाम का मतदाता आकर वोट डाल गया, ऐसे में उनका वोट अब मान्य नहीं है। जबकि आशा ने बताया कि उनके पति का नाम आशा राधेश्याम है तो आशा विजय के नाम से वोट डालने वाला तो अलग ही हुआ, फिर उन्हें वोट डालने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने मतदान में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए एजेंटों पर सवाल खड़े कर दिए। मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। भाई पार्टी के वोट देने के लिए तो कोई फर्जी वोट जो वो एजेंट है लोगों हैं इनके मनमानी से ये किसी को डलवा लेते हैं किसी को नहीं डलवाते हैं। जब आज को जो ओरिजिनल आईडी है ओरिजिनल सब कुछ है फिर ऐसे इन्होंने फर्जी वोट किए क्यों? वोट देने आए थे लेकिन मेरा वोट तो कोई और दे गया। अच्छा, अंदर वोट देने गए तो क्या जानकारी? उन्होंने कहा कि आशा विजय कुमार को दे गए जबकि मेरे पति का नाम आशा राधेश्याम है। उन्होंने आधार कार्ड नंबर देख के उनको देने दिया जबकि मेरी वोटर आईडी मेरे पास है।